हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के पार्ट 4 में। आज मैंने अपने घर में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। और आज हमारे कुछ मिशंस होने वाले हैं, तो मैं वो दिखाऊंगा। पहले सोचाता हूँ, मैंने घर चेंज किया है तो इस वजह से वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। तो ठीक है गाइस, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। गाइस, आपको थोड़ा चेंज दिख चुका होगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पे लैडर है, मैं यहाँ से उतरता हूँ। उतर जा। तो यहाँ पे मैंने स्टोर रूम बना रखा है, चेस्टें पड़ी हैं यहाँ पे। अफसोस, ज़्यादातर सब खाली है। और नीचे लाइब्रेरी, ओ भाई बहुत डैमेज। पहले तो खाना खा लो। इसमें था ना खाना? नहीं, इसमें था। हाँ, पहले तो ब्रेड खा लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने माइनिंग करी थी पिछले पार्ट में, जो मैं पूरी कर नहीं पाया था, लेकिन मैं पूरी कर चुका हूँ। तो अब मैं थोड़े से कोबल स्टोन ले जाऊँगा नीचे, क्योंकि आज हम डायमंड खोजने वाले हैं। आज का हमारा यही मिशन है। थोड़े कोबल स्टोन लेकर चलो। मेरे माइनिंग एरिया का रास्ता यहीं से पड़ता है, मैंने बना रखा है। टॉर्चों की कमी है हम पे बस, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, टॉर्चों की कमी है। यहाँ से नीचे चलते चलो। मैंने काफ़ी हद तक माइनिंग करी। ओह शिट, पिकैक्स। सबसे मेन चीज़ तो गाइस हम भूल गए, मेरी पिकैक्स टूट गई थी, तो मुझे फिर से बनानी होगी। और मुझे पता है डायमंड्स 12 कोऑर्डिनेट पे मिलते हैं, इसलिए मैंने वहीं तक जो है खोदा है, माइनिंग करी वहीं तक। तो अभी मैं गया नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए पहले हमें स्टिक्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होगी। लकड़ी कहाँ है? लकड़ी लकड़ी, तो यहाँ पे 3 ही लकड़ियाँ गाइस हमारे पे। लकड़ियों की कमी पड़ चुकी है हम पे लकड़ियों की। क्राफ्टिंग टेबल में कुछ लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं लकड़ी ला चुका हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्राफ्ट करता हूँ। अरे भाई वाह, टॉर्च जा रही है भाई, क्या ही सीन है ये। यहाँ पे हमने वुड निकाल लिए, 27 वुड काफ़ी होती है। और उस पेड़ के साथ सैपलिंग भी मिल गई है। पहले तो सैपलिंग को रख दो, यहाँ नहीं नहीं रखेंगे। और ये वुड का तो काम है ना। अरे यार, ऊपर ही काम है अभी वुड का, स्टिक्स बनानी है। स्टिक्स बनाते कैसे है? ऐसे ही यहाँ पर मैं पिकैक्स बना लेता हूँ। पहले तो 2 पिकैक्स, 3 पिकैक्स, 3 पिकैक्स काफ़ी है हमारे लिए। तो अब जो सामान हमें नहीं ले जाना वो हम रख देते हैं। वुड की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, डर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कोबल स्टोन है हमारे पास। बाकी टॉर्चों की ज़रूरत तो पड़ी जाती है भाई, सभी को पता है, बहुत अंधेरा होता है। ओ नहीं 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 गाइस, क्रीपर। ओ शिट गाइस, गाइस मैं क्या करूं? ओ भाई गाइस, मैंने सिर्फ बता दूँ, इतनी ज़्यादा टॉर्च लगाई थी ना वहाँ, उसके बावजूद क्रीपर स्पॉन हो रहे हैं। आप बताओ यार गाइस, मैं क्या करूं टॉर्च लगाने के बावजूद? वो यहाँ पे अपने आप ही मरा हुआ था। मैंने थोड़ी टॉर्चें और बनाई और यहाँ पे लगा दी है। 9 ही टॉर्च बची है मेरे पे, क्या करें अब। चलो चलते हैं, टॉर्चों की कमी पड़ेगी तो देखते हैं बाद में। यहाँ पे मैंने अपनी माइनिंग एरिया यहीं पर से रास्ता निकाला, इसका सीक्रेट वगैरह जो रास्ता से मैंने सब छोड़ दिया। ठीक है यार, लेकिन हमें जहाँ कोल मिलेगा, कोल लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें आयरन या गोल्ड मिलता है तो उसको हमें पिघलाना पड़ता है इंगट बनाने के लिए उसका, वरना वो और ही साथ में निकलता है। गाइस, मेरे को यहीं पर लास्ट टाइम आयरन मिला था, मैंने सोचा था आपके सामने निकालूंगा। अरे कहाँ गया? कहीं कहीं था यार। हाँ ये रहा, ये रहा, चलो निकाल लो इसे। और आयरन है गाइस, मैं पैसे वाला आदमी बन रहा हूँ। गाइस मैं आपको बता दूँ कि डायमंड जो होते हैं वो 12 कोऑर्डिनेट पे मिलते हैं, तो अगर आप ऐसे माइनिंग करते हो तो 12 कोऑर्डिनेट तक जाओ। मैं यहीं तक गया था, तब तक मेरे को यहाँ पे एक केव मिल गई थी। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमा और वहाँ पे मुझे लावा मिला था,
यहाँ पे लावा है बहुत सारा, तो यहाँ चलते हैं। इसलिए मैं अपने साथ कोबल स्टोन लाया था, पहले तो इसका सप्लाई बंद कर दो, इसलिए लाया था मैं कोबल स्टोन। अब एक टॉर्च लगा दो यहाँ, ये कोल तो मुझे चाहिए था। अरे टॉर्च नहीं लग गैस, कोल चाहिए बहुत ज़रूरी आयरन निकालने के लिए, मतलब बनाने के लिए उसका इंगट। निकल जा, बहुत सारा कोल दिख रहा है मुझे। ओ गैस, तो यहाँ पे काफ़ी सारा कोल है, मैं सारा निकाल रहा हूँ कोबल स्टोन लगा लगा के, ताकि लावा में ना गिरे। ओ ले लिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पहले कोबल स्टोन लगा दो, बहुत बढ़िया। अब इसको निकालो और कोल सा, चलो गाइस और कोल मिल चुका है। यहाँ पे भी अब कोबल स्टोन लगा दो, गाइस काफ़ी कोल है काफ़ी। गाइस इस तरफ भी है कोल, यहाँ से भी निकालते हो। गाइस वहाँ पे बहुत सारा कोल था, तो अब मैं देखता हूँ अपनी पॉकेट में मेरे पास कितना कोल आ चुका है इस वाले कोल को निकालने के बाद। कोल की कमी नहीं होगी हमें, ये तो मैं लिखवा के ले लेता हूँ, मतलब लिखवा के कर लेता हूँ, मतलब कोल की कमी होगी नहीं। गाइस मुझे सामने और कोल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लावा भी बहुत सारा है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ से नीचे कैसे जाएं, इधर ऐसे। इस लावा को यहाँ से कवर कर देता हूँ। अरे यहाँ इधर, हाँ चलो बढ़िया। अरे यार क्या है ये, क्या ही, चलो हो चुका है। अब मैं इस पत्थर को यहाँ से निकाल लेता हूँ, और लावा कितना सारा लावा है। ओ भाई गिरो ना, पहले यहाँ पे कोयला निकाल लेता हूँ। कोल तो बहुत है, कोल की तो कमी नहीं है। ये देखो एक बारी में कितना, यहाँ से लावा ना निकल जाए मुझे डर लग रहा है। मैं इसके आगे वाला कोल बिल्कुल नहीं निकालूंगा, मेरे को डर लग रहा है लावा ना आ जाए, वरना इतना सारा कोल जो मिल रहा है वो भी लालच के चक्कर में ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जितना मिल रहा है उतने पर संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ, क्योंकि पहले एक बार देख लेता हूँ लावा कितनी दूर है। हाँ भाई रिस्क नहीं ले सकते हम, यहाँ से पहले लावा का सप्लाई बंद कर देता हूँ। ओ भाई तेज का ही भाग रहा है भाई। ओ गाइस लावा बड़ी खतरनाक चीज़ है। अरे यार ये गलत लग गया, चल गया। तो गाइस हम 12 कोऑर्डिनेट में, मैंने यहाँ से कोल निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे नीचे लावा था। कोई नहीं गाइस, कोल तो मिल गया। गाइस तो अब हम हैं 11 कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते कि हमें डायमंड मिल जाए। ओ भाई आगे बहुत सारा लावा भी है, मेरे को पानी भी लाना चाहिए था यार, लेकिन उसके लिए बकेट बनानी पड़ती है आयरन की, 3 आयरन लगते हैं उसके लिए, काफ़ी ज़्यादा है ये। मैं इतना अमीर नहीं हूँ अभी, कोल से बनती तो क्या ही बात थी। यहाँ इसे कवर कर लो और ऊपर, रिस्क नहीं। कवर कवर करो भाई, मैं बिल्कुल हल्का सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। बंद करो, चलो गाइस तो मेरे 1.64 कोबल स्टोन चले गए हैं। यहाँ से भी बंद कर दो, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता मैं गाइस। सामने और आयरन, लेकिन उसके लिए लावा को कवर करना पड़ेगा, ये गलत लग गया।
मैं साइड साइड से लेने की कोशिश करता हूँ। गाइस बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। अरे नहीं, एक तो ये आग की गेंदें भी बहुत उछल रही है। चलो भाई बनाओ रास्ता, तो बनाना ही पड़ेगा। हर चीज़ लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे भाई ये गलत चीज़ है, ये जो ये ऐसे लगते रहते ना, ये गलत चीज़ है। और मेरे कॉबल स्टोन भी ख़त्म होने वाले हैं, सबसे बुरी बात तो ये है। कवर कर दो इसे पहले। अरे भाई कहाँ कहाँ जा रहा है भाई कहाँ। अब आयरन निकाल लेते हैं गाइस, गाइस आयरन, बहुत सारा आयरन। अरे ब्रो गाइस, गाइस हम अमीर हो रहे हैं। गाइस हम लिटरली बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पे कोल भी बहुत है, आयरन भी बहुत है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो हम पे है नहीं, अफसोस, डायमंड। और हमें मिशन क्या है हमारा, डायमंड को ही खोजना, तो हम खोज करेंगे, हार हम मान नहीं सकते ऐसे। अरे नहीं, वो गेंद उछली थी, अभी लावा की गेंद उछली थी, अभी हो जाता काम। भाई कॉबल स्टोन लग जा। गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे भाई गहराई वैसे कम है लावा की, नहीं भाई बहुत सारे कॉबल स्टोन वेस्ट हो चुके हैं। अरे नहीं गेंद आई थी गाइस, इस जगह से बहुत गहरा था लावा, यहाँ तो रास्ता ख़त्म हो गया, आगे से जाना पड़ेगा। कहाँ वहाँ पे है कुछ रास्ता, अरे भाई कॉबल स्टोन बहुत वेस्ट हो जाए ऐसे। डर्ट निकालो पहले गाइस, तो वो प्रोसेस काफ़ी टाइम ले रहा था, तो मैं थोड़ा घर में गया, थोड़े कॉबल स्टोन यहाँ से निकाले, थोड़ी बहुत टॉर्चें बनाई, और कोल काफ़ी था तो अब फिर से आ चुके हैं, लेकिन टॉर्चें ज़्यादा बची नहीं है। और मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से पहुँच चुका हूँ, मैंने पूरे लावा को यहाँ कॉबल स्टोन से कवर कर दिया है। यहाँ से ऊपर जाते हैं, टॉर्च की कमी है गाइस, मॉब ना दिख जाए कोई। चलो गाइस यहाँ पे टॉर्च लगाए। अरे भाई काफ़ी अच्छा रास्ता है, रेबल ग्लोबल पड़ा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, एक ही टॉर्च बची है, मेरे पे लगानी पड़ेगी। चलो थोड़ी बहुत रोशनी हुई, यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए लगाते हैं। अरे ये तो खोखली जगह है यार, यहाँ से आगे कुछ है ही नहीं, नहीं पीछे ही जगह है, रुको यार मेरे को टॉर्च निकालनी पड़ेगी, यहाँ की रहने देता हूँ, यहाँ से एक टॉर्च निकाल लेता हूँ। चल आ जा टॉर्च, तेरी बहुत ज़रूरत है हमें डायमंड की खोज के लिए गाइस, टॉर्च सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में से एक होती है। ओ गाइस डायमंड, गाइस डायमंड, गाइस सीरियसली डायमंड। लेकिन मुझे पता है गाइस डायमंड इस पत्थर की पिकेक्स से नहीं टूटने वाला, आयरन की पिकेक्स से टूटेगा, तो मैं फटाफट से जाके आयरन की पिकेक्स बना के लाता हूँ घर में। गाइस तो मैं घर में पहुँच चुका हूँ, मैंने लास्ट टाइम लकड़ियाँ बनाई थी, मुझे याद है कौन सी चेस्ट में रखी थी, याद नहीं है, शायद इस पर रखी थी लकड़ियाँ, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ तो नहीं है गाइस, कहाँ है मेरी लकड़ियाँ। आयरन की पिकेक्स बनाना मुझे बहुत ज़रूरी है, अरे कोल अंदर रख लेता हूँ गाइस, बहुत ज़रूरी है मुझे। गाइस क्या मेरे पे लकड़ी नहीं है, क्या देखिए झूठे गाइस, कहाँ है, नहीं गाइस कौन सी चीज़ रखी थी, वो गाइस मिल गई, लेकिन ये दो ही है, मैं प्लैंक भी ले लेता हूँ, 23 प्लैंक है, कमी नहीं है। चलो ऊपर चले, आयरन, एक सेकेंड, फर्नेस बनाना पड़ेगा, पहले फर्नेस बनाना पड़ेगा गाइस। फर्नेस कैसे बनाते थे, चेस्ट की तरह बनाते थे, इतना तो मुझे पता है। अरे भाई लग जा यहाँ पे, और एक यहाँ पे,
तो गाइस एक फर्नेस मैंने निकाल लिया है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं मजे से। अपना आयरन ये रहा, आयरन हमारा ये रहा, कोल हमारा ये रहा। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे 3 आयरन निकल चुके हैं जो कि एक पिकेक्स के लिए काफ़ी होने चाहिए, क्योंकि लकड़ी और वुड की दो चीज़ें बनती है। एक सेकेंड गाइस, ये क्या है, स्टोन लिखा है ना यहाँ। यस गाइस, आयरन पिकेक्स आ चुकी है। गाइस हम आयरन पिकेक्स बना चुके हैं। चलो गाइस, तो मैं आपको अपने माइनिंग वाली जगह पे मिलता हूँ। गाइस मुझे ऊपर जाने से पहले आलू पकाने पड़ेंगे अपने लिए, क्योंकि मेरी काफ़ी कम पावर है। 2 मिनट के लिए आयरन को हटाना पड़ेगा। 5 आयरन और बन चुके हैं, हट जा भाई तू, आलू जा। तो गाइस आलू खाने के बाद मैं आपको माइनिंग एरिया में मिलता हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने सारे आलू निकाल लिए हैं, चेस्ट में डाल लेता हूँ। नीचे शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरी पावर जो है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है उसे मैं रख देता हूँ। आयरन सबसे इम्पोर्टेंट है, आयरन उसको संभाल के रख देता हूँ। बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, प्लैंक्स भी रख दो, बाकी इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ओ नहीं नहीं नहीं, वहाँ से टॉर्च टूट गई, कोई बात नहीं, एक ही टूटी है। तो अब मैं आपसे माइनिंग एरिया में मिलता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, मुझे यहाँ पे डायमंड मिले थे, अब ज़्यादा नहीं। मैं डायमंड तोड़ता हूँ, पहले देख लेता हूँ कितना डायमंड यहाँ पे पड़ा है। अभी तो 2 ही ब्लॉक दिखे गाइस, थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। ओ गाइस गाइस काफ़ी है, काफ़ी है। ओ गाइस और है गाइस, मैं चाहता हूँ 100 डायमंड मिल जाए गाइस, बहुत सारे डायमंड। पैसे वाला बनने वाला हूँ, अंबानी को पछाड़ने वाला हूँ गाइस मैं। बहुत सारा डायमंड गाइस, और डायमंड है, और डायमंड है, होना चाहिए और। ओ गाइस और डायमंड यहाँ पे, और डायमंड है। तो गाइस यहाँ पे मैं डायमंड तोड़ने वाला हूँ, तो आयरन की पिकेक्स आ जाए हाथ में। गाइस मेरे पहले डायमंड, गाइस दूसरा डायमंड, गाइस तीसरा डायमंड, गाइस चौथा डायमंड, पांचवा डायमंड, मेरा ये छठा डायमंड गाइस, ये सातवां डायमंड, अरे बहुत है भाई, 8वां डायमंड, 9वां डायमंड, 10वां डायमंड गाइस, 11वां डायमंड गाइस, 12वां डायमंड, 13 डायमंड, 14 डायमंड गाइस, 14 डायमंड हमें मिल चुके हैं अभी, अभी एक और है गाइस। 15 डायमंड मुझे यहाँ से मिल चुके हैं गाइस, 15 में थोड़ा और आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ओ गाइस सोना, गाइस सोना, हम सच में अमीर होने वाले गाइस, गाइस बहुत पैसा आने वाला है हम पे गाइस। यहाँ पे मुझे सोना भी मिल चुका है गाइस, डायमंड और उसके बाद सोना। कितने सोने आ चुके, 5 सोने के और आए हैं हम पे, जैसे आयरन के और मिलते वैसे ही। गाइस यहाँ पे 5, तो गाइस मैं यहाँ से 32 मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। ओ गाइस डायमंड यहाँ पे मेरे से अभी रह जाता, अच्छा मैंने देख लिया गाइस, गाइस 16 डायमंड यहाँ पे। गाइस मैंने पीछे से एक टॉर्च निकाली है, अब मैं वही आगे यूज़ करने वाला हूँ। आजा बत्ती, ठीक है गाइस यहाँ पे ये टॉर्च मारो। गाइस और डायमंड, गाइस और डायमंड मिल चुका है गाइस हमें, गाइस 17 डायमंड, 18 डायमंड, 19 डायमंड, 20 डायमंड गाइस, 21 डायमंड, 22 डायमंड गाइस, सिर्फ 22 डायमंड थे, नहीं ये और है ना यहाँ पे, हाँ गाइस और डायमंड है गाइस, 23 डायमंड हमारे पास हो चुके हैं। यार कोयले की भी बहुत ज़रूरत है, अब हम सोना भी निकालेंगे कोल की मदद से। ये सारा कोयला निकाल लो भाई, कोयला इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कोल, कोयला गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है माइनक्राफ्ट में। फ़िलहाल मैं ज़्यादा कोयला निकालूंगा नहीं, क्योंकि कोयला आसानी से मिल भी जाता है माइनक्राफ्ट में। गाइस हम उधर से तो आ चुके हैं गाइस, लेकिन इस केव में इधर की भी जगह है, यहाँ पर मुझे आयरन मिल चुका है, तो मैं इस तरफ भी जाके देखता हूँ क्या पता मुझे कुछ मिल जाए।
गाइस और डायमंड गाइस, सीरियसली आज मेरा दिन है। यहाँ से एक बत्ती निकालो, ये बत्ती निकाली, कहाँ है बत्ती? कोयले की जगह पे आ जा बत्ती। गाइस इस बत्ती को डालो पहले तो। गाइस आज सीरियसली बहुत लक्की दिन चल रहा है मेरा, मुझे लग रहा है। गाइस और डायमंड, गाइस मतलब मज़ा आ गया है। गाइस सबसे लकीस्ट पार्ट हमारा और सबसे बढ़िया पार्ट गाइस मेरे लिए, बहुत सारे डायमंड। कितने डायमंड हो चुके गाइस? ओ गाइस यहाँ पे केव है, दूसरी केव है यहाँ पे। गाइस 32 डायमंड्स, एक मिनट से निकालो। केव नहीं है यहाँ पे, बस कुछ भी नहीं है। गाइस आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत सफल हो चुका है। गाइस 32 डायमंड, 7 सोने के और हमें मिल चुके हैं। गाइस तो बहुत कुछ मिल चुका है। तो गाइस बस आज के लिए बहुत हुआ गाइस, क्योंकि आज का पार्ट हमारे लिए बहुत सफल हो चुका है और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि हमें 32 डायमंड, गाइस सीरियसली 32 डायमंड हमें आज एपिसोड में मिल गए हैं यार। तो मैं अपने आप को काफ़ी लक्की समझता हूँ यार। तो मुझे लेकिन लगता है आज के पार्ट के लिए इतना ही। गुड बाय। और सुनो यार, लाइक कर दो यार, मेरे डायमंड निकालने की इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी यार, तो लाइक कर दो। अब चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।